हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीला क्लासेस। आई एम नीता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स में से एक, जिसका नाम है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और जितने भी ऑर्गन्स थे उनको कंप्लीट कराने के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बचे हुए 6 ऑर्गन में से एक, जिसका नाम है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल लॉ के 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट कराने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये यूएन चार्टर के आर्टिकल 61 से लेकर 72 तक इसके इस्टेब्लिश के बारे में एंड इसके जो पर्पस है, इसका जो प्रिंसिपल है और इसका उद्देश्य क्या है, हर एक चीज़ों के बारे में आर्टिकल 61 से लेके आर्टिकल 72 में डिफाइन किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें 54 मेंबर हैं। जब यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिश हुआ था तभी इसकी इस्टेब्लिश हो गई थी। आपको तो पता है कि यूनाइटेड नेशन की 6 ऑर्गन्स में से एक है, तो जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तो इसकी भी स्थापना हो गई। जब 1945, इसमें ध्यान सुनिएगा तभी समझ में आएगा, जब 1945 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तब इसके मेंबर की संख्या कितनी थी? 18। एंड 1966 में अमेंडमेंट किया गया यूएन चार्टर में एंड 18 से मेंबर बढ़कर 27 हो गए। ओके, एंड फिर इसके बाद में फिर से अमेंडमेंट किया गया 24 सितंबर 1973 को, और इसके बाद में 27 से मेंबर 54 हो गए। अभी 54 मेंबर हैं। अभी सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाने की बात करी जा रही है, क्योंकि हमारे, आपको तो पता है कि 193 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन में। जिस प्रकार सदस्य हैं उस प्रकार मेंबरशिप भी बढ़ाना चाहिए, बट अभी भी 1973 में अमेंडमेंट करके 54 मेंबर को बढ़ाया गया था। उस समय से 54 मेंबर ही द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से एरिया से है ये लोग। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एशिया से 11, अफ्रीका से 14, ईस्टर्न यूरोप से 6, वेस्टर्न यूरोप से 13 एंड अदर एरिया से 10 है। कुल मिलाकर 54 जो मेंबर है अलग अलग एरिया से बनाए गए हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं व्हाई द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि सोशल काउंसिल जो है उसका जो गठन क्यों किया गया, इसका जो इस्टेब्लिश क्यों किया गया। इसका इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था क्योंकि हमारे देश में, पूरे राष्ट्र में आप देख रहे हैं, जितने भी वर्ल्ड है दुनिया में आप देख रहे हैं, मानव की स्थिति क्या है, ह्यूमन की स्थिति क्या है, ह्यूमन की राइट्स के बारे में सभी को जागरूक करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य करने के लिए, एड्स नियंत्रण पर कार्य करने के लिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने के लिए एंड जो पॉपुलेशन पर नियंत्रण करने के लिए, एंड बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे सांख्यिकी सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी कार्य किए गए हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार से 150 से ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसकी स्थापना जो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा किया गया है। ओके, एंड जो ये सब मेंबर हैं, 54 मेंबर हैं, सारे लोगों को एक एक वोट देने का अधिकार होता है। इनकी वोटिंग के आधार पर ही मेंबर्स चुने जाते हैं। महासचिव हैं, यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। आई होप कि कोई भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको यह जो उनकी बातें हैं उसको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विल बिकम एन एक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट एंड ऑर्गन्स एज द सिक्योरिटी काउंसिल एंड विल बिकम द काउंसिल ऑफ द 21st सेंचुरी। जो हमारी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, आगे आने वाले समय में यानी 21st सेंचुरी में, वो क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल एंड महासभा की तरह ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सुरक्षा के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन जाएगा और एक बहुत बड़ी परिषद बन जाएगी। यह हमारे महासचिव बुतरस खाली ने कहा था, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पावर एंड फंक्शन कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की पावर क्या है एंड फंक्शंस क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो पावर है, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि पॉपुलेशन हो गए या मादक पदार्थों के सेवन, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादि मामलों पर वो क्या करती है, स्टडी करती है, अध्ययन करती है। और यह सबके ह्यूमन राइट्स
एंड फंडामेंटल राइट्स के आदर करने के लिए लागू करने का कार्य करती है, कार्य करने के लिए कह भी सकती है किसी भी ऑर्गन को, ओके। यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों को ड्राफ्ट ऑफ कमीशन महासभा को प्रस्तुत करती है। यूएन द्वारा दिए गए विषयों पर इंटरनेशनल कन्वेंशन भी बुला सकती है। इतनी बहुत सारी इनकी पावर ऑफ फंक्शन है, एक एक करके नोट आउट करते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल की प्रार्थना पर सिक्योरिटी काउंसिल की हेल्प भी कर सकती है। महासभा के अनुमोदन पर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन के सहयोग के लिए अनुरोध की सेवा भी कर सकती है। एंड इसके अतिरिक्त काउंसिल हर कार्य करेगी जो चार्टर के अंतर्गत महासभा द्वारा या उसके जितने भी यूएन चार्टर के अंग हैं उनके द्वारा अगर कोई भी कार्य कहा जाता है तो कौन करेगा? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करेगी, ओके। यहाँ आपने समझ लिया पावर एंड फंक्शन के बारे में। अब क्या है, कमेटी भी है, अदर बॉडीज भी है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की कौन कौन सी कमेटी है, कौन कौन सी बॉडीज है, क्या है इसकी कमीशन क्या है, एंड इसकी जो हम बात करते हैं आयोग क्या है, इसने कितने ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, कितने प्रोग्राम की स्थापना की है, कितने प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव कमीशन, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के लिए भी कमीशन बनाया है, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी कमीशन बनाया है, स्टैटिकल कमीशन, सांख्यिकी व्यवस्था को भी बनाए रखने के लिए कमीशन बनाया है, पॉपुलेशन कमीशन, मैंने पहले ही बताई जनसंख्या नियंत्रण पर भी कमीशन बनाया गया है, एंड कमीशन ऑन नैरोटिक ड्रग्स, जो आजकल मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ड्रग्स वगैरह का सेवन करते हैं, उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए भी कमीशन की स्थापना की गई है। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ ह्यूमन वीमेन, जो आजकल वीमेन की जो स्थिति है उसके ऊपर भी कमीशन द्वारा, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा कमीशन बनाए गए हैं। यहाँ पर हमने एग्जीक्यूटिव कमीशन के बारे में समझा। अब सेकेंड पॉइंट है रीजनल कमीशन, प्रादेशिक कमीशन। ये बहुत सारे कमीशन की स्थापना की है, एक एक करके हम लोग इसको नोट आउट करते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। ECE, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यूरोप के लिए भी कमीशन बनाया है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए। ECLA, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कमीशन की स्थापना की गई है। ECA, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रीजनल कमीशन के द्वारा इसको बनाया गया है। ECWA, कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया के लिए भी कमीशन बनाया गया है। ESCLP, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ओशियन एंड एशिया के लिए भी जो हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा कमीशन बनाया गया है, ओके। एंड थर्ड कमीशन जो है अदर बॉडीज जैसे अन्य निकाय, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि पहला है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट आउट कर लेंगे। तो द यूनाइटेड नेशन के द्वारा जैसे कि व्यापार एवं विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना कौन किया था? तो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा किया गया था। एंड सेकेंड पॉइंट है द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के विकास प्रोग्राम को भी बनाया था किसने? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इसे, और 1963 में, सॉरी इसे इसका मैंने नहीं लिखी हूँ, इसे आप देख लेंगे एक बार। द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UNWEP, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। आजकल क्या है कि खाद्य जो है बहुत ही मिलावटी आ रहे हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व खाद्य प्रोग्राम भी चालू किया गया है ताकि किसी भी देश में खाद्य की जो क्वालिटी है उसको लेकर जो भी मैटर आता है वो किसके ऊपर किसके पास जाएगा, तो ये हमारा द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास जाएगा, ओके। द यूएन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1967 में, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की औद्योगिक विकास से संस्था है, ओके, इसे भी नोट आउट कर लेंगे। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड UNICEF, यूनिसेफ,
इसे बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसको नोट आउट कर लेंगे, ओके। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1967 में। जैसे कि आजकल जो शिशु हैं महामारी से पीड़ित हैं, बहुत सारी ऐसी घटना हो जाती है या ऐसी स्थिति आ जाती है, संकटकालीन स्थिति आ जाती है कि संयुक्त राष्ट्र को उसके ऊपर दखलअंदाजी, उस राष्ट्र के ऊपर दखलअंदाजी करना पड़ता है, इंटरवेंशन करना पड़ता है कि, और ये मामला कहाँ चला जाता है, यूनाइटेड नेशन में चला जाता है। जब महामारी जैसी स्थिति हो जाती है तो कहाँ चला जाता है, यूनाइटेड नेशन में चला जाता है, ओके। तो इसके लिए फंड निर्धारित किया गया है, इमरजेंसी फंड, जब चिल्ड्रेन बहुत सारे मर रहे हो, ऐसी स्थिति आ गई हो कि उस राष्ट्र के द्वारा संभालना मुश्किल हो गया होगा, तो फिर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है कि शिशु संकटकालीन फंड, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संकटकालीन व्यवस्था में फंड जो है उसे देगा, यूनाइटेड नेशन देगा, ओके। एंड द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR, इसकी जो इस्टेब्लिश है 1 जनवरी 1961 को ही थी। आपको पता है कि हर देश में, म्यांमार के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, मैं पढ़ाई हूँ इसके बारे में, जो आपके जो रिफ्यूजी है उसके बारे में मैंने बताई हूँ, रिफ्यूजी को भगा दिया जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कुछ ऐसी घटना उत्पन्न हो जाती है तो अपने देश से बहुत सारे व्यक्तियों को भगा दिया जाता है, तो उस देश की रक्षा करना उस व्यक्ति का, जैसे उस देश को, उस व्यक्ति की रक्षा करना उसका कर्तव्य बन जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह राष्ट्र उस शरणार्थी व्यक्ति को रखना नहीं चाहता है तो किसके पास यह मामला जाएगा, यूनाइटेड नेशन के पास। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास यह मामला जाता है या केस जाता है, और इसे कौन हैंडल करता है, UNHCR, ओके। यहाँ आपने समझा, एक एक करके मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट जो आपके कमीशन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कराए गए थे उसको मैंने बता दी हूँ। कल हम लोग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।